ओडिशा के बालासोर रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। सर्व आदिवासी समाज आगामी विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति की सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संपर्क से समर्थन अभियान कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने की अपील। और आज कबीर जयंती है, प्रदेश भर में कबीर पंथियों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। आशंका है कि लगभग 1000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि पहचान के बाद कुछ शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गौरतलब है कि यह हादसा बीते शुक्रवार शाम 7 बजे हुआ, जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनट बाद ही इसी स्थान पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद इन ट्रेनों के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं विजिट करके गए, साइट का इंस्पेक्शन करके गए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को देके गए। उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रेस्टोरेशन का काम रात भर चलता रहा और अभी भी तेजी से चल रहा है। आसपास के जितने भी डिविजन्स हैं उन सारे के सारे डिविजन्स के ऑफिसर्स को, मशीनों को, मैन पावर को, सबको डिप्लॉय किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो एक लाइन है उस लाइन का कंप्लीट रेलवे का जो रेलवे की पटरी होती है, ट्रैक होता है, ट्रैक का काम कंप्लीट हो गया है। और अभी ओएचई जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काम चल रहा है। ये तेजी से एक लाइन और ये दूसरी लाइन का भी ट्रैक बनाने का काम ऑलरेडी हो गया है। कंप्लीट जो भी एक्शन लेना है रेस्टोरेशन के लिए, एक एक पॉइंट पे पूरे एरिया को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और 8 सेगमेंट का हर एक सेगमेंट का एक ऑफिसर उसके लिए प्रॉपरली इंचार्ज है। सारे के सारे ऑफिसर्स सबके सब लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रात में 3 सीनियर ऑफिसर्स थे, वो अभी रेस्ट में गए। अभी 2 सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे दिन में रहेंगे। एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट जिस तरह से रहना चाहिए साइट का, उस हिसाब से जो बुधवार सुबह तक कंप्लीट रेस्टोरेशन करके नॉर्मलाइज करना सिचुएशन का, उस टारगेट पे काम कर रहे हैं और जिस तेजी से काम चल रहा है होपफुली उससे बुधवार से पहले पहले हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में उनकी गहरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इस हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वे आज सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की ओर से भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य ट्रैक का एजेंडा आगे ले जा रही है।
उन्होंने सभी के लिए उपलब्ध सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 2030 तक सभी को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के विकास ने महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद की है। 3 दिवसीय बैठक 3 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिनमें स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, सस्ती चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच और डिजिटल स्वास्थ्य शामिल हैं। सर्व आदिवासी समाज अपनी आगामी विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति की सभी 29 सीटों के अलावा अन्य 20 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। सर्व आदिवासी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने आज दुर्ग में पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर आगामी विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा। आपने कहा कि सर्व आदिवासी समाज चुनाव मैदानी में उतर रहा है, बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि सारे रिजर्व सीट है 29 चीजें भी हैं उसमें तो लड़ना ही है, और 20 करीब जनरल सीट है जहां आबादी आदिवासी समाज की 20-40% है, वहां भी अजमाएंगे। उसमें दूसरे अन्य समाज को भी हम अवसर देंगे, ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी हो। आदिवासी अरविंद नेताम ने धर्मांतरण पर भी चिंता जाहिर करते हुए धर्मांतरण कानून में सुधार किए जाने की जरूरत बताया। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत आज भिलाई विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भिलाई नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि प्रदेश में कोयला, शराब और चावल घोटाले हो रहे हैं। श्री पांडे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये घोटाले हो रहे हैं। देखिए, ये 30 मई से 30 जून तक लगातार कार्यक्रम जो है लोकसभा स्तर पे चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा। आज उसकी विधानसभा स्तर की पहली बैठक हुई है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है, और इसके पहले जिले की बैठक, मंडल की बैठक हो गई। हमारे हर कार्यक्रम में 21 जून को योग दिवस है, प्रबुद्ध सम्मेलन है। हमारे यहाँ दुर्ग लोकसभा में 22 तारीख को अमित शाह जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है, ये आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ। और दुर्ग में व्यापारियों का सम्मेलन है 14 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं निचले स्तर पे, और घर घर जो है बाद में कार्यकर्ता जाएंगे। श्री पांडे ने कहा कि दुर्ग जिले में 22 जून को संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत आम सभा का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन लोकसभा स्तर पर होगा। कार्यक्रम को भाजपा ओडिशा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, सांसद विजय बघेल सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कबीर जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कबीर पंथियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को कबीर जयंती मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कबीरदास जी का जन्म 1440 में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। इस साल कबीरदास जी की 646वीं जयंती मनाई जा रही है। कवर्धा के अंबेडकर चौक स्थित वीर सावरकर भवन में कबीर प्रकट उत्सव मनाया गया। मानिकपुरी पनिका समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गुरु महिमा पाठ किया गया। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वीर सावरकर भवन पहुंची। इसके बाद चौका आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर कबीर पंथियों ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। सबको
इस अवसर पर कबीर पंथ के अनुयायियों ने बताया कि हर साल कबीर जयंती उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि कबीर के प्रेरक दोहे आज भी अनुकरणीय हैं। जन्मोत्सव कबीर प्रागट दिवस के रूप से मनाया जाता है और ये 625 वर्ष हो गए हैं। हर साल प्रतिवर्षानुसार अपन कबीर प्रागट मनाया जाता है। शोभा यात्रा, चौपाय आरती और समाधि दर्शन सदगुरु कबीर साहब की 625वां प्रकट उत्सव के अवसर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में श्री बघेल ने कहा कि संत कबीर का जीवन दर्शन सदैव प्रासंगिक है। संत कबीर ने दोहों के माध्यम से प्रेम, सद्भावना और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक से दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं। आज जगदलपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बने होने और नमीयुक्त हवा आने से प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश अथवा बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। जांजगीर के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में जिला स्तरीय हॉकी स्पर्धा खेली जा रही है। प्रतियोगिता में 8 टीमें इस हिस्सा ले रही हैं। इनमें 4 बालक वर्ग और 4 बालिका वर्ग से हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन बालक और बालिका वर्ग में एक एक मैच खेले गए। खिलाड़ियों ने मीडिया में से बातचीत में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए वे लगातार कड़ी मेहनत के साथ हॉकी खेल की बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीत के लिए खेल में पूर्व तैयारी जरूरी है, इसलिए हॉकी की बारीकी जानने वे कई साल से मेहनत कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो निखरेगी और हम बहुत उत्साहित हैं इस मैच को लेके और अच्छे उत्साह के साथ खेलेंगे भी। यहाँ बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों टीम की मैचें हो रही है। यहाँ से 3 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ जिला स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पास, और हम लोग की अलग जानकी टीम है यहाँ पर, और हम लोग की बहुत उत्साह, हम लोग तीन साल से सबके साथ खेलते आ रहे हैं हॉकी। इस 3 दिवसीय स्पर्धा का समापन 5 मई को होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ओडिशा के बालासोर रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। सर्व आदिवासी समाज आगामी विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति की सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संपर्क से समर्थन अभियान कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने की अपील। और आज कबीर जयंती है, प्रदेश भर में कबीर पंथियों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।